जिद और नाराजगी तो वहां होती है ना जहां कोई मनाने वाला होता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, मैं इस घर में किसी से नाराज नहीं, बस दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं फाखर के लिए लड़ नहीं सकी। मैं लाची हूँ, तब क्या हुआ? अपने गिरेबान में जाके देखा है कभी? चुप! अब मत नजर आना मेरे घर के आगे। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं है। अब अगर तुम मेरे घर के आगे आए तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें तलाक दे दूंगा। अल्लाह का बड़ा करम है बेटा कि अब तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। तुम सो रही है? हम ठीक हो जाएगी, दुआ करें। वो भी ठीक हो जाएगी। अब्बा हम अब्बा मियां आए थे ख्वाब में। हाय अल्लाह, क्या कह रहे थे? साथ चलने का कह रहे। अहे मियां, कैसी बातें करते हो तुम? कोई तो अच्छी फाल निकाला करो मुझसे। अल्लाह बख्शे अब्बा मियां को, भाई थे भी तो कितने चाहिए थे उनके। ये तो है। हाँ, और मेरे ख्याल से उनके नाम का गरीबों को खाना खिलाते तो। सही है। उसे कह। ओहो, तुम आराम करो, हो जाएगा सब कुछ। अगर आप बोले तो मैं कर देता हूँ ये काम। हबीब कर लेगा? हाँ हाँ, कर लेगा कर लेगा, फिक्र ना करो तुम, हो जाएगा। अम्मा जी, हकीम साहब आ गए। मिल जाओ आगे, मैं उन्हें अंदर ले आऊँ? नहीं, बुरा लाने की क्या जरूरत है, लाउंज में बिठाओ ना, मैं अपना उनके ठीक करके आती हूँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हबीब और जहीर ने तो बेहतरीन फैसला किया है, दिल खुश हो गया। जी जी, बस यही मशवरा करना था आपसे हकीम साहब, तो बस आप इतने मसरूफ रहते हैं कि। अरे क्या करें, सेवन शरीफ हाजरी भी बहुत ज़रूरी थी, वहाँ हाजरी में इतना मसरूफ़ हो गए, गुनागुन मसरूफियात की वजह से कतई तौर पे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका। जी जी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दीते रहो मियां, दीते रहो मियां। पता है हकीम साहब तो बहुत खुश हुए तुम्हारे इस फैसले से। हाँ भाई, अभी यही बात चल रही थी, बस अब ये काम सर अंजाम दे ही डालो। अरे बस आपकी दुआएं चाहिए, हमने जुमे का दिन रखा है। हाँ मियाँ बिल्कुल, ये काम जितनी जल्दी सर अंजाम दो उतना अच्छा है। नहीं, काम को टाला नहीं करते। नहीं, हम टाल नहीं रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर बशर्ते जिंदगी वही वाली बात हो जाती है, जुमे का दिन रखा है हमने, और बस आपको तकलीफ देंगे, निकाह तो आप ही को पढ़ाना है। हाँ इंशाल्लाह, बंदा हाजिर है मियाँ, बंदा हाजिर है। किससे पूछूं मैं ये मौला, ऐसा होता है क्यों? जहीर भाई तो भाई पानी की तरह पैसा बहा रहे, देखा नहीं कितनी सेटिंग कराई है। हाँ तो क्यों ना करे, उसका इकलौता बेटा जो हुआ है। लेकिन अम्मा, मेरी शादी में तो सिर्फ 100 लोग बुलाए थे, मुझे रुखसत कर दिया था, और मेरी शादी में सिर्फ 50। साका तुम तो रहने दो, तुम्हारी शादी वैसे भी जल्दबाजी में हुई थी, तुम्हारा चक्कर जो चल रहा था फिर दोस्त साहब के भांजे से। हाय, काश हमारी शादी सलीम से ही हो जाती। हाँ, जैसे वो तो कोई शहजादा सलीम था ना। था तो है, बस रहना तो साका, वो सलीम निकम्मा कहीं का, काम करना का आज का ढाई से रहना आज का। इतनी अच्छी जगह शादी होगी तुम्हारी, कदर करो अपने शौहर की। क्या है कदर करने के लिए, बस रहने दे अम्मा, क्या मिला, सबको नजर आता है, कोई जोड़ नहीं है हमारा फराज साहब के साथ। पता नहीं कैसे दिल मार के गुजारा कर रही, हमारे तो अपने घर वाले हमारी खुशियों के दुश्मन निकले। सब आपका कसूर है, आपने नहीं कुछ करने दिया जिंदगी भर, बस उल्टे सीधे जोड़ कर दिए, बाहर से रिश्ता आया लड़की पकड़ा दी। लेकिन अम्मा, मेरा शौहर ना बहुत अच्छा है। बस करो बस करो, सारी जिंदगी शिकायतें ही करती रहना, अच्छा कोई अच्छी बात ना निकालना कभी अपने मुंह से। तू जल रही हो भाई की खुशियों से, है वो भी भाई ऐसा कि जिसने बाप से ज्यादा मोहब्बत की तुमसे। तुम्हारे अब्बा वो तो किसी काम के ही नहीं थे, सारा दिन शतरंज खिलवा लो उनसे। जैसे मैंने पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा किया है,
जैसे मैंने गुजर बसर की, मेरा ही दिल जानता है। अरे अम्मा, आप क्यों गड़े मुट्ठे उखाड़ रही हैं? वैसे अम्मा, भाई साहब ने ना पूरी गली सजाई है। क्या जरूरत थी, इससे बेहतर तो कोई शादी का हॉल ले लेते। क्यों भाई, हमारी शादी भी तो इसी गली मोहल्ले में हुई है, अब ये वाली शादी हॉल में क्यों होगी? खैर हमें क्या, पता नहीं ऐसे ही बोल रहे, मेहमानों की तरह ही आएंगे हम तो। अरे इसे क्या हो गया? अम्मा आप फिक्र मत करें, देखना ये पूरी शादी में आएगी। एनी, एनी उठो, एनी 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 उठो, ये देखो क्या है। देखिए ये लोग कम उम्र बच्चों की शादी करवा रहे थे ना, पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ तो फाखिर, मुझे फाखिर उठो, ये देखो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? किसी घर वाले ने देख लिया गला बजा तमाशा हो जाएगा। तमाशे तो खड़ा करने आए, ये देखो। वे पर ये होगा कैसे? मुझे क्या पता। मदद कर रही थी हमारी, क्यों कर रही हो? बड़े खुश थी ना शादी से। अपनी बहन की मदद कर रही हूँ, वरना मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। और वैसे अगर तुम लोग शादी कर भी लो तो क्या हो जाएगा? मतलब जैसे रहते हो वैसे ही रह लेना। बकवास बंद करो अपनी कंफ्यूज औरत, कभी बोलती हो शादी करो, कभी बोलती हो शादी दौड़वा दूंगी। एक पेज पर रहो, प्लान बताओ। अहमद को कॉल कर लेंगे। हाँ जैसे पोस्ट में लिखा हुआ था वैसे ही कर लेंगे ना। ऑफ करो तुम तो। तुम क्या इतना डर रहे हो? कह देंगे कुछ कर लेंगे। हाँ तो फिर पुलिस कौन बुलाएगा? मैं फ़ोन कर दूंगी। किसी को पता लग गया क्यों बुला हुआ पंगा ले रहे? कैसे पता लगेगा फाखर? तुम अहमद को कहना कि किसी दूर दुकान पे जाए और वहाँ जाके फोन करे। हाँ बस कुछ लो यार। फाखर देखो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ये शादी रोकने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रुकेगी नहीं अब, और बुला वजह जो है ना बस मसला खड़ा कर रहा है। तुम्हें क्या बहुत शौक हो रहा है मुझसे शादी करने का फाखर? शौक नहीं हो रहा तुमसे शादी। तो फिर बस ना, फिर कोशिश करना। देखो हमारा फर्ज है, अब कामयाबी हासिल हो या ना हो वो अलग बात है, तुम बस अहमद को कह देना कि फोन कर दे। वो कह दूंगा, तो नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जूते पड़ने वाले। ये आदमी तबीयत से डरता है क्या सच में? तो अब बाकी खेड़ियों के निशान अभी से बन रहे कमर पर। बैठो बेटा, कैसे हो? बस शुक्र अल्लाह पाक का। सायका चाय पिलवा दो, सुबह से थक गया हूँ काम कर करके। अभी अभी हमने चाय पी है। अब फैमी जरा फराज साहब के लिए भी चाय ले आओ। लाती हूँ। वैसे सच है अम्मा, फराज साहब शादी के कामों में बेचारे बहुत थक गए हैं। मैं ना कहती थी हमारा फराज हीरा है, हीरा हीरा। बेटी नहीं है आपकी हीरा? हाँ बेटी तो उससे ज्यादा हीरा है, बड़ी हीरा है। वैसे तुम लोग वापस कब जा रहे हो? क्यों हमारा रहना खल रहा है तुम्हें? क्या हो गया सायका, मैं तुम्हें ऐसे ही पूछ रही थी, तुम हर बात पे काटने क्यों तोड़ती हो? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, देखें दोनों इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, बच्चे जवान हो गए, लेकिन बच्चों के साथ लड़ना नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो आप सुन रही हैं वो? ऐसे सायका मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ज्यादा अरसे तक रहने का फैसला किया है। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि अब मुस्तकिल यहीं पर रहें, अपना वतन तो अपना ही होता है ना। ऐसा नहीं करना, यहाँ के हालात तो बेटा तो पता कैसे हैं, तो अच्छी खासी लगी हुई नौकरी है, उसको क्यों छोड़ो? कोई अकलमंदी की बात तो नहीं है ना। एनी यहाँ बैठी हो? पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों, खाना खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे। क्या बात है, इतनी उदास क्यों?
मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो बेटा, लेकिन तुम्हारे इस एक कदम से है नी आज कितने मसाइल का हल निकल आएगा। तुम तो बेटा हो हमारा, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे है नी। अपने मसले हल करने के लिए आप लोग मुझे कुर्बान कर रहे हैं? नहीं बेटा, तुम दूर थोड़ी जा रही हो, यही होगी हमारी आंखों के सामने। यही तो मसला है अम्मा, पूरी जिंदगी फिर मैंने यही गुजार लिया। मैं और फाखर तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। करने लगोगे यानी तुम्हारे अब्बा और मैं भी एक दूसरे को शादी से पहले पसंद करते थे, क्या फायदा। लेकिन फाखिर अच्छा लड़का है, इस घर का लड़का है, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो जाओ बेटा, देखना सब कितनी जल्दी बदल जाएगा। पैसा बहुत बड़ी नेमत होता है नी, तुम बस फाखिर के दिल में जगह बनाओ, फाखिर की मोहब्बत हासिल करो। कैसे? पसंद नहीं करती मैं उसे। कुछ वक्त लगेगा, लगने लगेगा। अच्छा फिर तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, समझ रही हो ना नी? माँ मेरे ना एग्जाम्स होने वाले हैं, बताए कैसे फोकस करूंगी मैं अपने एग्जाम्स पे। पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा देंगे आप लोग, कोई कुछ नहीं छुड़वाएगा तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम वैसे ही जैसे पढ़ रही हो बच्चे, ऐसे ही पढ़ती रहोगी। और देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा। और कल को तुम अपनी मर्जी के कॉलेज में भी जा सकती हो, है नी? बिल्कुल फाखिर की तरह, नहीं परेशान हो बच्चा, सब देखना कितनी जल्दी बदल जाएगा। एनी वादा करो कि तुम मेरा और अपने अब्बा का सर झुकने नहीं दोगी। करती हूँ वादा। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, खुश रहो। यकीन नहीं आ रहा फाखर की शादी हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, कितने पागल हैं उसके घर वाले, मर्जी के बगैर उसकी शादी करा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना? मैं छोड़ तो दिया था मगर जो उसके लिए बुरा लग रहा है। उसके लिए या अपने लिए? क्या मतलब? मतलब कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि उसकी शादी किससे और से हो रही है? नहीं यार, सब क्या सोच रहा था वो, उसको क्या लग रहा था कि मैं उससे इतना जल्दी शादी कर लूंगी, भी हमारी उम्र ही क्या है। हाँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? यार उसकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होगी अब। वो तो होगा, लोग अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी भी शादी कर देते हैं। होता है, हमारे कंट्री में काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी अंडर एज शादी होती है, और तुमने ही तो बताया था कि वो एक नॉर्मल फैमिली से हैं। ये लो खाना खाओ। आपने खाया? तुम्हारे साथ खाऊंगी।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कल जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखो, ये लिखा है नसीब में। ना है नहीं, उससे मैं कहाँ शादी कर सकता हूँ। अच्छी लड़की, मैंने कभी उसको उस नजर से नहीं देखा है, शायद कभी उसने भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जो नसीब पे लिखा है वही होता है। यानी अच्छी लड़की है, तुम दोनों बचपन से साथ हो, दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सामने। सच पूछो तो मुझे इन्हीं पर कोई एतराज नहीं है, बस एतराज है तो इस जल्दबाजी की, छोटी उम्र की शादी पर। मेरे दोस्त वगैरह इतना मेरा मजाक उड़ाएंगे, आप लोगों को पता ही नहीं इस चीज का। आप लोगों को फेस थोड़ी करनी पड़ेगी ये चीजें, मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, एक बात मेरी गौर से सुनो, अब जब तुम्हारी शादी हो ही रही है तो इस बात का ख्याल रखना कि अब यानी तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है उसे खुश रखना, उसके साथ कोई भी ज्यादती ना होने पाए, उसके साथ वो सलूक ना हो जो मेरे साथ और आयशा के साथ होता रहा इस घर में, उसका ख्याल रखना। सुन रहे हो ना जी? हम क्या हर वक्त इस कमरे में रहेगी? 24 घंटे तुम्हारे सर पे सवार रहेगी। चलो ये लो। नहीं आप पे जा रही बैठे जरा। क्या क्या कहा था? खाना साथ खाएंगी तो खाना आप खाएं। सजाद, देखा आपने भाई साहब कितना पैसा लुटा रहे हैं इस शादी पे? भाई साहब को हमारे एमन का ख्याल क्यों नहीं है? क्या 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 कह रही हो तुम? मुझे अपनी बेटी की शादी इस उम्र में नहीं करवानी है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी अभी एमन की शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो एमन का सोच तो सकते थे ना, एनी से तो ज़्यादा ही प्यारी है हमारी बेटी। हबीब ने सोचने का मौका ही नहीं दिया होगा भाई साहब। हाँ ये भी है, वैसे ना जिस साइका अपा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अम्मा बता रही थी कि फराज भाई ने बताया कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए यही शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी नहीं, जितना मुझे याद पड़ता है उनको तो पाकिस्तान कभी रहने लायक लगा ही नहीं। तभी तो मैं भी हैरान हुई। मैं तो पहले ही कहा था कि उनके राजे कुछ सही नहीं है। खैर मैं भाई साहब से ना एमन के बारे में बात जरूर कर रहा। क्यों भाई, नहीं जाने दो, हमारी बेटी कोई गिरी पड़ी है। अल्लाह ना करे, लेकिन मैंने ना हमेशा से फाहिर को एमन के लिए सोचा था। भाई मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे खानदान में नहीं करवा। क्यों, क्या बुराई है मेरे खानदान में? यार छोड़ो इन बातों को, मेरा मुंह मत खुलवाओ, बस छोड़ो ना, मुझे चाय बना दो अच्छी सी। मेरे खानदान में नहीं करनी। क्या हो रहा है? हक में तय हो रहा है बेटा, इन सब बातों की क्या जरूरत है, बस बच्चे खुश रहे हैं आपस में। भाई साहब मैं कह रहा था अगर 10 लाख, क्या ख्याल है आपका अगर 10 लाख हक महर रखें तो? हम खो गए क्यों मायरी, अब तो
अरे भाई को चाय पिला दो, चाय पिला दो भाई। लाए भाई साहब। आराम से, चोट लग जाएगी। जाओ जाओ सब बाहर जाओ, चलो। अच्छा ढोलक बजाया था भाई, पापा मजा आ गया। अम्मा वो कुसुम आपा की बेटियों को बुलाना है। क्यों नहीं भाई, रिश्तेदार है करीबी। अब फिर मैं भी तो उनके हर फंक्शन में गई हूँ, उनके बच्चों को मैंने भी लिफाफे दिए हैं। अच्छा चल चलो लिख लो, दोनों के नाम आते हैं। हाँ दोनों के नाम लिख लो। और बल्कि डर गई जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे, वो है हमारे इसको मालूम है। और दूसरा अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो दो तीन कार्ड ले लो। ठीक है। हाँ देखो वो ये मत पूछना के बिल्कुल भाई चाय ले लो। हाँ भाई साहब वो हकीम साहब से बात हो रही थी तो वो देख के वो कह रहे थे कि नेका का फॉर्म पूर कर रहे थे ना, तो उसमें हाथ मेहर के खाने में क्या लिखना। शुक्रिया आप। नहीं नहीं तुम पियो तुम। क्या कह सकता हूँ मैं, तुम देख लो क्या होना चाहिए उसमें। गालिबन हम सब का तो तुम्हें मालूम ही है कि शरई लिखा हुआ था। हाँ मगर अब हमारा वक्त तो अब रहा नहीं। क्या हो रहा है? हक में तय हो रहा है बेटा। इन सब बातों की क्या जरूरत है, बस बच्चे खुश रहे हैं आपस में। भाई साहब मैं कह रहा था अगर 10 लाख, क्या ख्याल है आपका, अगर 10 लाख हक महर रखें तो। क्या कह रहे हैं 10 लाख? भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं ना। दिमाग ठीक है, 10 लाख भाभी। बेटा ये रकम कुछ ज्यादा नहीं। अम्मा मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ऐनी के लिए। ठीक है अम्मा ठीक है, अगर तुम्हें 10 लाख ठीक लगता है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। क्या हो कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब 10 लाख बहुत ज्यादा है। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों ने अपनी बेटी हमें दे दी, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है, और एनी के सामने 10 लाख रुपए की कोई कीमत थोड़ी है। ठीक है ये क्या किया आपने? भाई साहब पूछ रहे थे तो मैंने कह दिया, और हक मेहर से एनी का ही मुस्तकबिल महफूज होगा। कुछ अकल भी है आपको? सारे खानदान के सामने इस तरह मुंह खोल के क्या जरूरत थी, लालची बनकर आ गए ना सामने। अब देखिएगा सायका आप और फहमी कितनी बातें बनाएंगी। समीना भाभी पहले ही हमें ताने दे चुकी हैं, जब सब हमारी बच्ची का ही होना है, फिर कहने की क्या जरूरत थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। ठीक लगा कह दिया, अब देखिएगा सबके सामने लगेगा भाई साहब की सारे पैसे पर हमारी नजर है। जी कौन? हमें। अरे आ जाए आइए। अरे काम कर रही थी। जी जी पहले बैठे बैठे। हाँ भाई अभी डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ये कहने आए थे कि बहुत अच्छा किया अभी तुमने कि हक मेहर खुल के मांग लिया। अब जाहिर है बच्ची को भी तो मजबूत करना है। हाँ जाहिर है, और वैसे भी भाई साहब का जो भी कुछ है वो हम सब का भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस हम भी सोच रहे थे कि शादी खत्म हो जाए तो भाई से अपना हिस्सा भी मांग लेंगे। कौन सा हिस्सा? अरे भाई इस घर में कारोबार में हमारा भी तो हिस्सा है, हमारे अब्बा मियाँ का घर है तो बनता तो है। बिल्कुल घर में तो सबका बराबर का हिस्सा है। अच्छा 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 हाँ, बस ये शादी के जमीनें ख़त्म हो तो फिर बात करेंगे हम। अच्छा हाँ। क्या बातें लेकर बैठ गई हो, अब मैं सोच रहा था यार वो कैरम की बाजी नहीं लगाई बहुत दिनों। कैरम हाँ चलो हो जाए आ लेते हैं बाजी। चले आए हम चाय का इंतजाम करते हैं, अब तो ये पूरी रात की कहानी है। आप चले जाए कपड़े रख कर आए। जी आओ भाई आओ।
अरे 10 लाख एक बड़ी रकम होती है, उसे बू खोल के भांग ही ली। शादी का सारा खर्चा भी तो आप उठा रहे हैं। रानी हुई थी मुझे भी, लेकिन अब बात तय हो चुकी है। और आपने कुछ कहा भी नहीं, कुछ कह तो सकते थे। अच्छा बस करो ना, अब तुम रहने दो, हमारा आपस का मामला है, हम कुछ कर लेंगे। माजरत के साथ, ये सिर्फ आपका आपस का मामला नहीं है, मेरे बेटे का मामला है, मैं बोलने का पूरा हक रखती हूँ। जरा अभी तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये हबीब कैसे अपने असली रंग दिखाता है। लिहाज ही नहीं, मांगे जाओ मांगे जाओ। खेड़े अम्मा, वैसे अम्मा आपने मुझ पर कुछ बोला क्यों नहीं? मैं तो हबीब की बेबाकी में बहुत हैरान। मैं शादी का सारा खर्चा भाई साहब अकेले उठा रहे हैं, हबीब की जेब से तो एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च हुई। ऐसे तो नहीं मांग गया ना फौरन से वो शादी के लिए, बहुत चालाक है, चारों हाथ पांव से लूट रहा है वो भाई साहब को। हे फहमी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो भाई के बारे में? अम्मा आप तो रहने ही दे, आपकी आंखों पर ना पट्टी बन जाती है जब आपके बेटों की बात होती है। आपने देखा नहीं आयशा भाभी को कैसे शॉपिंग की थैलियां भर भर के ला रही हैं, और वो भी सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए। भाई सही मायनों में हबीब और आयशा की तो लॉटरी लग गई है। मेरा भाई तो बेचारा बहुत मासूम है। अम्मा खानदान में और भी दो लड़कियां थी ना, और कोई नजर नहीं आई भाई साहब को, बस उन्होंने तो एनी से शादी करानी थी। मैं बता रही हूँ ये सब भी ना हबीब की चालाकी है। ना भी नहीं यार। मैं सही कह रही हूँ, उसने फौरन से अपनी बेटी आगे कर दी और खुद मेहमान बन गया, ये कह के कि मैं तो भाई साहब की खुशी की खातिर कर रहा हूँ सब कुछ। मैं क्या कहूँ भाई, चले अच्छा हुआ। तुम दोनों कहाँ थे? सलाम अलैकुम। बस वो हबीब के साथ कैरम की बाजी लगी, फिर पान खाने निकल गए हम लोग। अरे तुम नीचे क्यों बैठो, ऊपर बैठो ना। नहीं नहीं मैं। ओहो बेटा ऊपर बैठो आराम से, खा लो तुम भी। वैसे तुमने हबीब की चालाकी देखी? हाँ हबीब की तो नई लॉटरी निकल आई है। पता भी सजाद भी यही कह रहे थे। मेरा हक मेर तो 30,000 रुपये था। मेरा भी। मैं बता रही हूँ माँ, ये जो भाई साहब का अंधा एतमाद है ना हबीब पे, किसी दिन इन्हें ले डूबेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो, नेक फाले निकाला करो मुझसे। मैं तो समझती थी तुम बहनें जो अपने भाइयों पर जान छिड़कती होगी, मुझे नहीं पता इतना बैर बांध रखा है तुम लोगों ने अपने दिलों में उनके लिए। अम्मा भाइयों से प्यार अपनी जगह है, लेकिन आप हरकतें भी तो देखें, और वैसे भी इस वक्त बात भाइयों की नहीं सिर्फ हबीब की हो रही है। भाई साहब तो बेचारे मासूम हैं, उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हबीब को लगता है कि भाई साहब पे सिर्फ उसी का हक है, हमारा तो कोई हक ही नहीं है। ऐसे फहमी ठीक ही कह रही है, मतलब जहीर भाई पे सिर्फ हबीब का तो नहीं है ना हक, बहनें भी तो हैं। अरे तुम्हारा भाई सारे बहन भाइयों पे जान छिड़कता है, अपनी जान छिड़कता है, कभी तुम लोगों ने कुछ मांगा उसने इनकार किया है? हैं फजूल बातें करते रहते हो, भाइयों से जलना छोड़ दो। अम्मा हम क्यों चलने लगे भाई की खुशियों से? क्या खुसर पुसर हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वैसे हम क्यों करेंगे खुसर पुसर। अच्छा बस करो ना, अब जाओ सो, इतनी रात हो गई। चलें फराज साहब। अच्छा आओ आओ भाभी। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। शुक्रिया भाभी, बहुत खूबसूरत है। भाभी आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो भाभी। कल जो हबीब ने हक मेहर की बात की, आप उसको भूल जाएं, आपको जो सही लगे ना आप वही हक मेहर कर लीजिए। अरे हबीब ने जहीर से बात की है, उनका मामला है, मेरी कहाँ सुनेंगे। नहीं भाभी, उनको की इस हरकत पे मुझे इतनी शर्मिंदगी है, उनको ये लिहाज भी नहीं रहा कि सारा खर्चा शादी का भाई साहब ने उठाया है, और वैसे भी हम लड़की वाले और आप लड़के वाले। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? भी रिश्ते बदल रहे हैं, अब आप ऐनी की सिर्फ ताई अम्मी थोड़ी रहेंगी, आप उसकी सास भी होंगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखो ये उन दोनों भाइयों का मामला है, वो खुद ही निपटेंगे, इसमें मत पड़ो।
और दिल छोटा ना करो, वो कर लेंगे आपस में बात। हाँ मत सोचो इस बारे में। जी जल्दी आ जाइएगा। मैं आती। शुक्रिया भाभी। इधर देखो आ रही हूँ। एक मिनट। बहुत प्यारी लग रही हो। बैठ के बैठो। पता नहीं क्या बना दिया मुझे। अरे उलझन हो रही है यार। फकीर से पूछा तुमने? ये नहीं, मैं कैसे पूछूं? घर के लोग इतने उसके पास जाना साहब है। यार ये वापस से कोई भन्ना मार दे। यार इसके दोस्त ना कोई काम किया। अब तुम जाओ और पूछो कि कुछ हो रहा है या नहीं। अच्छा मैं पूछ के आती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या, मेरी और फाकिर की शादी हो जाएगी। मैं तो बस एक आखिरी ट्राई कर रही हूँ। जाओ पूछ के आओ। जा रही। एनी तुमने सोचा अगर ये बात किसी को पता चल गई तो इसका अंजाम क्या होगा? चुप के बैठो, डराओ नहीं मुझे। यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सर क्या हो गया है, क्यों चीख रहा है? सर एक कंप्लेन आई है। कैसी कंप्लेन? सर अंडर एज बच्चों की शादियां हो रही हैं। अंडर एज बच्चों की शादियां हो रही हैं? कौन करवा रहा है और किधर हो रही है? और तुम्हें किसने कंप्लेन की है? सर एक नॉन नंबर से कॉल आई है सर, और पीछे मार्केट में हो रही है। तुम एक काम करो, मोबाइल रेडी करवाओ, अभी जाएंगे। यस सर। ये सब क्या चल रहा है? इशारेबाजी? कुछ नहीं पप्पू, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं सब समझती हूँ, सब नजर आ रहा है मुझे। और मेरी बात सुनो, ये तुम लोग आपस में क्यों लगे रहते हो? अब एमन को अपने साथ आगे आगे रखा करो। जी पप्पू। तुम एमन इनके साथ रहा करो। अच्छा आ जाओ एमन, चलते हैं। आप बच्चों की नानी है? ये क्या हुआ है जहीर साहब को, इन बच्चों की शादी कर रहे हैं? अरे तो आपको क्या मसला है बीबी? मान ना मान, खाला भी सलाम। मैं आती। जी ठीक है। जमशेद क्या हो रहा है? हाँ बड़ी महफिल में लड़कियां ताड़ रहे हो? माँ क्या करूँ, देखो तो हैवी कितनी प्यारी। प्यारी तुम्हारी बेटी की उम्र की है, कुछ तो आया करो, नजर नीचे करो। अम्मा बेटी की उम्र की है ना, बेटी तो नहीं है, बच्ची है, बच्ची है। जमशेद भांजी की शादी हो रही है, मामू हो तुम उसके? मामू बोल बोल के सबने मामू बना के रखा हुआ है अम्मा। तुम घर चलो आज। ना आते हैं, आप बैठे। ये प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से पदरी उतरी हो। बहुत समझदार बच्ची। अब आपका बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें वो सब कुछ मिले जो मुझे ना मिल सका।
कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा